गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला अनुराधा शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी और कमिश्नर को टैग करते हुए ट्वीट किया। महिला के मुताबिक उसकी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, वहां से ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसकी गाड़ी ले गए। जब वो मौके पर पहुंची तो उससे 500 रुपये एवं दुकानदार को पेटीएम करवाए गए उससे पैसे और उसके सामने ही उस दुकान वाले से ले लिए गए। वहीं इस मामले में जब हमने गाजियाबाद यातायात पुलिस के SDP रामानंद कुशवाहा से बात की तो उन्होंने पूरे आरोपों को झूठा बताया। उनके मुताबिक महिला की गाड़ी ट्रैफिक अवरुद्ध कर रही थी, जिसके बाद क्रेन उठाकर ले गई, जिसकी दोनों रसीद भी महिला को दी गई है। अब मेरे पास ये हुआ है कि इन्होंने मेरे को ट्विटर पे, मैंने ये अपनी सच्चाई बोली, मैं क्या कहते हैं सच्चाई बोलना मेरा अधिकार है, वो मैंने ट्विटर पे बोला, ट्विटर पे मैंने डाल दिया। अब ये लोग मेरे को चालान काट के ऑनलाइन भेज रहे हैं कि आप 3 दिन के अंदर इसको चालान को भरिए, अन्यथा आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। ये क्या तरीका है, जब मेरे से 500 रुपये ले लिया गया एक बार पेटीएम के द्वारा, तो फिर अब दोबारा क्यों मेरे से लिया जा रहा है? 500 रुपये का नो पार्किंग का चालान होता है और 1000 रुपये टोइंग चार्ज, क्रेन का टोइंग चार्ज लिया जाता है, जो कैश लिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी को बिल्कुल रोड पर लगी थी, उसके जाम लग रहा था, उसको उठा कर ले गई थी, उसको ऑनलाइन 500 रुपये का नो पार्किंग चालान किया था और 1000 रुपये का टोइंग चार्ज का रसीद काटा था। उस महिला ने कहाँ से ला करके ट्रैफिक पुलिस को 1000 रुपये जो कैश, जो टोइंग चार्ज कैश दिया जाता है, जिसको रसीद दिया जाता है, वो दिया गया लिया गया था, वो कहाँ से ला करके दी, कहाँ से पेटीएम करा के पैसे लेकर दी, ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस को नहीं पता है। और जो भी आरोप है बिल्कुल सरासर गलत और